सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। 2022 जनवरी 1 तारीख नए साल का सब प्रकार के आशीषें कृपाएं आप सबों को मिलता रहे। विशेष रूप से आज मैं हमारे इस चैनल का दर्शकों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। इस वर्ष आप लोगों के लिए आशीष में शांति में रहे। जिस प्रकार एफेसियों का पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 1:3 के अंदर, एफेशियंस चैप्टर 1:3, वहां पर लिखा है ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को जितने भी स्वर्गीय वरदान हैं सब कुछ दे दिया है। ये 2022 उन वरदानों को पहचानने का, अनुभव करने का वर्ष बन जाए। इस कोविड महामारी से हम सबों को मुक्ति मिले और जितने भी लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार का परेशानियां हैं उससे प्रभु छुटकारा प्रदान करे। बेरोजगार बच्चों को रोजगारी मिले, विवाह में जो रुकावटें हैं रुकावट दूर हो जाएं, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा है वो सब इस वर्ष में समाप्त होकर एक नए आनंद और शांति का जीवन जीने वाला वर्ष बन जाए। जितने भी लोग प्रभु से थोड़ा सा दूर है, किनारा किया हुआ है, उन्हें भी प्रभु से जुड़ने का कृपा मिले, क्योंकि योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 15:5 में लिखा है जो सच्चा दाखलदा, उस दाखलदा से जब डालियां जुड़े रहता है तब उस डालियों को उस दाखलदा से खाद अन्न जो कुछ चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए जो कुछ चाहिए वह सब कुछ मिलता है। जब जुड़े रहता है तब वो फलवंत होता है। इसलिए प्रभु ने कहा है उस दाखलदा से जुड़े रहना है। हमें इस वर्ष प्रभु से जुड़े रहना है। कल के क्लास में मैंने कुछ संकल्प करने के लिए, रेजोल्यूशंस लेने के विषय में बताया था। हमें इस नए वर्ष में हर रोज मिस्सा बलिदान जाने का, हर रोज पारिवारिक प्रार्थना करने का एक निर्णय करना है। हर रोज कम से कम एक अध्याय बाइबल पढ़ने का एक निर्णय करना है। इस प्रकार हम प्रभु से जुड़ जाएंगे। परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम प्रभु से जुड़ता है। वचन को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं उस समय पर वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमें ईश्वर से जोड़ता है। हमें पाप से दूर रहकर ईश्वर के साथ जुड़ करके इस साल बिताना है। इस प्रकार हम लोग अनुग्रह आशीष का अनुभव करेंगे। ईश्वर ने सारे स्वर्गीय वरदान आशीषें हमें दे चुका है। प्रभु के उस अनुग्रह का अनुभव करना है। यदि हम आज जीवित हैं
प्रभु की कृपा है, प्रभु की महिमा है। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के उस आशीष को, कृपा को पहचानते हुए हम इस वर्ष को बिताएंगे। ये नया वर्ष हम लोगों के लिए एक आनंद लेके आए, हमारे परिवार में एक नयापन लेके आए। मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, ये वचन आपके जीवन को बदले। इस साल में हम कोशिश करेंगे नए नए बातें सीखने का, और नए नए तरीके से सीखते हुए छोटे छोटे क्लासेस के द्वारा हम उस प्रकार अपने जीवन को थोड़ा मोड़ते हुए एक नयापन ले जीवन में लेके आएंगे। आप मेरे साथ हर रोज इस क्लास में भाग ले रहा है, इसलिए मैं हर रोज आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूं। जितने भी लोग वचन सुनते हैं उनके लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, ताकि ये वचन सुन करके आपके जीवन में एक बदलाव लाए, वो बदलाव आपको स्वर्ग राज्य का योग्य बनाए, ईश्वर की कृपा अनुग्रह आशीष आप पर बरसता रहे। निसंतानों के लिए मैं हर रोज रोजरी अर्पित करता हूं। आपका परिवार में इस वर्ष ईश्वर अनुग्रह आशीष संतानों के रूप में भी प्रदान करें, और घर एकजुट होकर के प्रार्थना करने वाला घर बन जाए। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 6 के अंदर, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24-26, ईश्वर ने मूसा से कहा, जब कभी तुम इसराइलियों को, मूसा और हारून पुरोहित जब आशीष देते हैं, इन वचनों को बोलकर आशीष देना बोल करके, कुछ वचनों को बोल करके दिया, कुछ बातों को बोल करके दिया। जब उन बातों को बोलकर तुम आशीष दोगे, प्रभु का कहना है, मैं उन लोगों को आशीष दूंगा। इसलिए हम उसी प्रार्थना को थोड़ा सा मिलकर के प्रार्थना करते हुए स्वीकार करते हैं, ताकि ईश्वर का अनुग्रह आशीष इस वर्ष में हमारे जीवन में आवे। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24-26, गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24-26 तक, प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और हम लोगों को सुरक्षित रखे। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न हो और हम पर दया करें। प्रभु हम लोगों पर दया दृष्टि करे और हमें शांति प्रदान करे। आमेन। प्रभु का वादा है इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु स्वर्ग से हम लोगों पर ये आशीष बरसाएगा। मेरा ये प्रार्थना है, मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का अनुग्रह आशीष पहुंचे, हर परिवार में प्रेम आनंद और शांति आवे, एक दूसरे का आदर सम्मान, प्रेम करने वाला, सहन करने वाला, क्षमा करने वाला, इस प्रकार प्यार, ईश्वरीय प्यार को दर्शाने वाला होना चाहिए। हमें कोशिश करना है इस वर्ष अनुग्रह का वर्ष हमारे जीवन में आए। अनेकों प्रकार का महामारियां, डर, भय, भाड़, ऐसे विनाश का वर्ष बीती, 18, 19, 20, 21 ये सब रहा है। 2022 हमारे लिए आशीष का वर्ष बने। इसके लिए एक ही कार्य करना है, हमें यीशु से जुड़े रहना है, पाप से दूर रहना है। आज माता मरियम का एक पर्व भी है, ईश्वर की माता का पर्व। January 1 तारीख को ईश्वर की माता का पर्व मनाते हैं। आदिम कलीसिया से मां मरियम को ईशु माता के रूप में बुलाया जाता था, लेकिन आगे चलकर के सन 428 में आकर के एक
अंतियोकिया के एक बिशप नेस्टोरियन ने ये सिखाना शुरू किया, माता मरियम को ईश्वर की माता मत बोलो, यीशु की माता बोलो। क्योंकि बाइबल के अंदर भी कई जगहों पर हमें ये देखने के लिए मिलता है, यीशु की माँ वहां पर दी, यीशु की माँ यहां पर दी। तो ये सब बोल करके इस बिशप नेस्टोरियन, अंतियोकिया के बिशप नेस्टोरियन ने ये सिखाना शुरू किया, यीशु माता शब्द को इस्तेमाल नहीं करना, मरियम यीशु की माँ है इसलिए यीशु माँ बोलो। इसके खिलाफ अनेकों लोगों ने आवाज उठाया, क्योंकि यीशु ईश्वर है इसलिए यीशु माता सही है। और कलीसिया में भी इसका चर्चा शुरू हुआ था। 10 अप्रैल 428 में अंतियोकिया के ये बिशप नेस्टोरियन ने आधिकारिक रूप से अपने धर्म प्रांत में ये घोषणा किया, मरियम को यीशु की माता कर के बुलाओ। और इसके विरोध में 22 जून 431 को संत सिरिल के अध्यक्षता में एफेसुस के तीसरी महासभा बुलाया गया, और उस महासभा में इस विषय में गहराई से पढ़ाई किया, चर्चा किया, और महासभा ने ये स्वीकार किया कि ईसा मसीह ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है, और वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। वो ईश्वर होने के कारण माता मरियम को यीशु माता बोलने में कोई गलती नहीं है, वो ईश्वर का ही माँ है, क्योंकि यीशु ईश्वर है। और इसके बाद 451 में कैल्सिडियन महासभा बुलाए गए, और कैल्सिडियन महासभा में आधिकारिक रूप से कलीसिया ने माता मरियम को यीशु माता का टाइटल दिया, ईश्वर की मां, मदर ऑफ गॉड, क्योंकि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। यदि हम लोग योहन का पहला पत्र अध्याय 5:20 में और कोलोसियों का पत्र अध्याय 2:9, इब्रानियों का पत्र अध्याय 1:3, तीतुस का पत्र अध्याय 2:13, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18, अध्याय 20:28 आदि अनेकों जगहों पर ईसा मसीह ईश्वर है करके लिखा हुआ मिलेगा। वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, ईश्वरता का पूर्णता मसीह में पाते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। और उसी प्रकार इब्रानियों का पत्र अध्याय 2:14-15 में, अध्याय 4:15 आदि में ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य भी है ये लिखा है। इसका मतलब मानव पुत्र के रूप में मनुष्य का रूप धारण कर वह पूर्ण रूप से एक मनुष्य भी था, और ईश्वर के साथ वो पूर्ण रूप से ईश्वर भी था। इसका मतलब पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है। इसकी घोषणा कैल्सिडियन महासभा में 451 के कैल्सिडियन महासभा में घोषणा किया, और माता मरियम को यीशु माता का टाइटल दे करके उस प्रकार बुलाने का अनुमति भी दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 495 और 967 में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूथ कैटेकिज्म संख्या 82 में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो 1 जनवरी हर वर्ष हम लोग
यीशु माता का, मदर ऑफ गॉड का पर्व भी मनाते हैं। तो हम लोगों को एक और संकल्प इस वर्ष करना है, माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा, माता मरियम से प्रार्थना मांगते हुए हर रोज यदि संभव है चारों रोसरी करने का, आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, इसी ऑर्डर में, अर्थात ईसा मसीह का बाल्यावस्था आनंद के भेद में, इसके बाद उनका पब्लिक लाइफ प्रकाश के भेद में, इसके बाद प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग, हमारे लिए कष्ट पीड़ा सहकर हमें मुक्ति देने का जो दुख का भेद, इसके बाद महिमा सहित जी उठना, स्वर्ग जाना, पवित्र आत्मा देना आदि के विषय में महिमा के भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसलिए इसी ऑर्डर में ईसा मसीह के पूरे जीवन को इस 20 भेदों में हम लोग मनन चिंतन करते हैं और सारे संसार के लिए प्रार्थना करने का एक उत्तम तरीका है ये रोसरी प्रार्थना। तो कोशिश कीजिए इस वर्ष में हर रोज चारों रोसरी माला प्रार्थना करने का। तो ये माता मरियम का उस ईश्वरत्व पर, सॉरी ईश्वर की मां है, इस पर हमें कोई संकोच ना हो, क्योंकि वह ईसा मसीह की मां, इसलिए ईश्वर की मां है क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। इस प्रकार हम लोग माता मरियम को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, उनका मध्यस्थता लेंगे और साथ ही साथ हमें कोशिश करना है जब कभी प्रणाम मरिया प्रार्थना गीतों के रूप में जो गाते हुए प्रार्थना करते हैं, उस समय पर ये जो नेस्टोरियन पाखंडता, जो यीशु की मां बुलाने वाला, कलीसिया ने बहुत इसके लिए कीमत दे चुका है, हमें कोशिश करना है जब कभी प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं उस समय पर, वो चाहे गाने में हो चाहे अन्य समय पर, यीशु की मां नहीं बोलना, बल्कि हमें ईश्वर की माता शब्द को इस्तेमाल करना है। कई ऐसा गाना है प्रणाम मरिया गाना जो रोजरी के समय पर जो गाते हैं, दो बड़ी गलतियां करते हैं। हमें मालूम है प्रणाम मरिया प्रार्थना का बीचों बीच में ईसा मसीह का नाम है, ईसा मसीह का नाम प्रार्थना का बीचों बीच में, वही हमारा शक्ति है, हमारा सब कुछ है। कई गाने में वो नाम ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गलती है। दूसरा, कई गाने में ये जो प्रणाम मरिया प्रार्थना का जो लाइन है उसको हटा करके कुछ और गाते हैं, ये भी गलत है। यदि प्रणाम मरिया गीत गाते हैं, प्रणाम मरिया का इन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है, विशेषकर यीशु नाम वहां उसमें होना जरूरी है। दूसरा, ईश्वर की माता, कई गाने के अंदर यीशु मां, मेरी मां ऐसे ऐसे गाते हैं, गलत है, ये नेस्टोरियन पाखंडता है, अनजाने में हम लोग उस पाखंडता में गिर रहा है, क्योंकि उस पाखंडता के कारण 451 में कैल्सीडियन महासभा में इसकी घोषणा किया आधिकारिक रूप से, हमें इसलिए उस प्रार्थना में जो जोड़ा हुआ है, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरकर माता मरियम को मेरे प्रभु की मां, मेरे ईश्वर की मां कह करके पुकारा, वो शब्द प्रणाम मरिया प्रार्थना के अंदर रखा है। ये कलीसिया ने नहीं जोड़ा, किसी और ने नहीं जोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को प्रकट किया कि जो तुम्हारे सामने जो खड़ी मरियम है वो ईश्वर की मां है। इसलिए एलिजाबेथ पुकार करके कहती है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे ये प्रभु की मां, प्रभु की मां का मतलब मेरे ईश्वर की मां मेरे पास कैसे आए। वो शब्द को हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि यीशु ईश्वर है। तो अपना जीवन अनुग्रह आशीष से भरने के लिए ये नया साल हम प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जिएंगे।
आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस चैनल के द्वारा वचन सुनते हैं, प्रत्येक को और उनके परिवार को मैं समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम की शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा इस 2022वां वर्ष इनके जीवन में अनुग्रह का, आशीष का, कृपा का वर्ष बन जाए। जो कुछ वे कामना करते हैं वो पूरी हो जाए। परिवार में शांति हो, परिवार मिलकर के प्रार्थना कर पाए। प्यारे प्रभु यीशु, में विशेष रूप से उन लोगों को याद करता हूं जो लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो बीमार लोग हैं, कैंसर से पीड़ित, हृदय रोगी, किडनी रोगी, ऐसे नाना प्रकार के बीमार लोगों को याद करते हैं प्रभु। हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में, शरीर में, उठकर चलने लायक नहीं पाईस लोग, यीशु इन पर दया कीजिए। आपके नाम के सामर्थ्य में शक्ति के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। ये वर्ष इनके लिए अनुग्रह का वर्ष बन जाए। अनेकों ऐसे युवक युवतियां हैं, बेरोजगार है प्रभु, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं। उनके पढ़ाई के अनुसार उन्हें काम करने के लिए नौकरी मिल जाए। यीशु दया कर, उसके लिए जो कुछ सैतानी हरकतें, रुकावटें आए, यीशु के नाम पर मैं उन सैतानी हरकतों को बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं इनके जीवन से यीशु के क्रूस के नीचे वो शक्तियां नष्ट हो जाएं, सारे अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं जो पाप के चंगुल में पड़ा है, नशे में, वासना के पाप में, माता पिता से झगड़ा कर करके दूर रहने वाले ऐसे तमाम बच्चों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। शैतान के जो प्रेरणा उन्हें मिला है उससे उन्हें मुक्ति मिले यीशु के नाम पर। ऐसे तमाम बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहकर उनका कहना मानकर के जीने वाला बन जाए। जिन युवक युवतियों का विवाह में बाधाएं हैं, उम्र बढ़ते जा रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, प्यारे प्रभु यीशु ऐसे तमाम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं इस वर्ष में जो भी उन विवाह में जो रुकावट है वो सब समाप्त हो जाए, खुल जाए, यफाता आशीष का दरवाजा खुल जाए प्रभु। जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए, बच्चों का विवाह समय पर हो यीशु के नाम पर। ऐसे तमाम युवक युवतियों को समर्पित करते हैं प्रभु, जल्दी से जल्दी उनके विवाह का जो बाधाएं दूर हो जाए, विवाह बंधन में आवे प्रभु। आपके बुलाहट को पहचान कर जिन्हें पुरोहित बनना है, शिष्ट बनना है, उस बुलाहट के प्रति ईमानदार रहकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करना प्रभु। ऐसे परिवारों को याद करता हूं प्रभु जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, भाई भाई के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, सास ससुर बहुओं के बीच में, प्यारे प्रवेश जिन घर में भी इस प्रकार का शैतानी हरकतें हैं नष्ट हो जाएं यीशु के नाम पर। सब एक दूसरे को सहन कर सके, क्षमा कर सके, प्यार कर सके प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, निसंदानों को संदान की आशीष इस वर्ष में मिले यीशु के नाम पर। हर एक स्त्री के बच्चेदानी को समर्पित करते हैं प्रभु, उसमें जो भी कमियां हैं यीशु के नाम पर वो रोग, बीमारी, फाइब्रॉइड सब कुछ नष्ट हो जाए, फिलोपियन ट्यूब खुल जाए, सब कुछ खुल जाए, ओवरीज खुल जाए यीशु के नाम पर। संदानों की आशीषें मिले यीशु के नाम पर। इसी समय पर सब परिवार में अनुग्रह आशीष बरसे। पढ़ाई करने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान मिले, सब प्रकार के बुराई से बच्चों को छुटकारा मिले, परिवार में शांति आवे यीशु। आइए हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु के नाम पर। नाना प्रकार के बीमार ग्रसों को इसी समय पर चंगाई मिले, शारीरिक दर्द यीशु के नाम पर दूर हो जाए यीशु के नाम पर, हाथ पैरों में बल आ जाए यीशु के नाम पर,
पूर्ण रूप से मुक्ति मिले, इस कोरोना वायरस से यीशु के नाम पर मुक्ति मिले। स्वर्गदूतों का दिव्य संरक्षण इन्हें मिलता रहे। स्तोत्र ग्रंथ 125 के द्वारा, वाक्य 2 के द्वारा यीशु के नाम पर प्रभु का दूध उनके चारों तरफ रहकर उन्हें संभाले। घर के चारों तरफ आग का दीवार सक्रिय, अध्याय 2:9 के द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षण मिले, आग का दीवार बन जाए। प्रभु तो स्वयं उनके घर में रहकर उन्हें आशीष देना। प्रभु जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य अध्याय 29 वाक्य 11-14 तक के वचनों के द्वारा, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना में जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। आमेन। प्रभु यीशु इस वर्ष अपनी योजनाओं को बच्चों के ऊपर पूर्ण करना। प्रभु यीशु के नाम पर सारे बंधन टूट जाए, सारे शैतानी हरकतें नष्ट हो जाए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह आशीष से भर दें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन। आप सबों को जय यीशु। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।